और तीन राज्यों को लेकर है। बंगाल में जिस प्रकार से आज पुनः एक हत्या हुई है भाजपा के कार्यकर्ता की, और अब तक लगभग 115 भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता व कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, एक विषय यह है। दूसरा विषय, जिस प्रकार बिहार में आरजेडी से जुड़े एससी मोर्चा के महासचिव रहे एक दलित नेता की हत्या होती है, और जो आरजेडी के मुख्य नेता हैं उन पर एफआईआर हुआ है, वह एक विषय है। तीसरा एक गंभीर मामला राजस्थान को लेकर है, जहां रेप के मामले आए दिन जिस प्रकार से देश के सामने आ रहे हैं वह न केवल दुखद है अपितु चिंताजनक है। और इस सब में विपक्ष की भूमिका किस प्रकार चयनात्मक अर्थात सिलेक्टिव है, इसका भी उजागर आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे। लेट मी फर्स्ट गो टू बंगाल। पहले हम बंगाल की ओर चलते हैं। एक जमाना था जहां बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया था, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। बंगाल एक गढ़ था बुद्धिजीवियों का, संस्कार का, संस्कृति का, मगर जिस प्रकार से पहले लेफ्ट और अब तृणमूल ने पूरी तरह से वहां राजनीतिक मर्डर्स को एक न्यू नॉर्मल बनाया है, राजनीतिक हत्याओं को वहां न्यू नॉर्मल बनाया है, यह अपने आप में घृणा के राजनीति को आगे बढ़ाता है। आप सभी जानते हैं कल 4 अक्टूबर को जिस प्रकार 24 नॉर्थ परगना में भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर और भारतीय जनता पार्टी के नेता मनीष शुक्ला की हत्या हुई है, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय और बहुत ही चिंता का विषय है। मनीष शुक्ला जी भाजपा के काउंसलर थे, टीटागढ़ म्युनिसिपैलिटी के पार्टी ऑफिस के सामने, और सबसे बड़ा विषय है हावड़ा से वो मीटिंग करके आ रहे थे तो नकाबपोश लोगों ने, जो अपने चेहरे को जिन्होंने ढका हुआ था, नकाबपोश लोगों ने बंदूक निकालकर टीटागढ़ के पुलिस स्टेशन के सामने गोली मार करके मनीष शुक्ला की हत्या कर दी। मनीष शुक्ला वॉज मर्डर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल इन फ्रंट ऑफ द पुलिस स्टेशन। इससे दुखद विषय नहीं हो सकता है। कानून के देउड़ी पर कानून दम तोड़ दे, इसका एक जीता जागता उदाहरण मनीष शुक्ला के हत्या की है। बंधुगण, आप सबको याद होगा ये वही मनीष शुक्ला जी हैं जो ना केवल काउंसलर और भाजपा के एक अच्छे नेता हैं, अपितु भाजपा के अति प्रिय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अर्जुन सिंह जी के अत्यंत निकट हैं। विगत कुछ दिनों से अर्जुन सिंह जी ने भी और वीडियो जारी करके मनीष शुक्ला ने भी ये बताया था कि उनके जीवन के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, कहीं ना कहीं उनको किस प्रकार मारा जाए, उनकी हत्या किस प्रकार की जाए, यह षड्यंत्र हो रहा है। और बंधुगण, मैं आपको बताऊं और इसमें बताते हुए भी मुझे आश्चर्य हो रहा है कि पहले से ही खुलासा किया गया था कि इस षड्यंत्र में पुलिस का हाथ है। और आप देखिए आज कैलाश विजयवर्गीय जी जो कि वहां के हमारे प्रभारी हैं बंगाल के, उन्होंने भी वीडियो जारी करके कहा है कि कमिश्नर ऑफ पुलिस अनुज वर्मा और एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस अजय ठाकुर, इनको तुरंत इनके ऊपर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन आरंभ किया जाए, क्योंकि इनके नाम को लेकर वीडियो जारी करके मृतक ने पहले ही बताया था कि ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। पुलिस की भूमिका की जांच होनी चाहिए, सीबीआई के माध्यम से जांच होनी चाहिए। बंधुगण, मैं बंगाल को लेकर यह भी कहना चाहूंगा कि कुछ दिनों से, केवल 2 महीनों में आप देखिए कितनी हत्याएं हुई हैं। 30 जुलाई 24 साउथ परगना के गौतम पात्रा को मार दिया गया, 15 अगस्त को आरामबाग के सुदर्शन परमाणिक को मार दिया गया, 21 अगस्त को कौंटी के लियाकत साहब को मार दिया गया, 13 सितंबर को आपको याद होगा आरामबाग में गणेश रॉय को जिस प्रकार से मार करके उन्हें फांसी पे लटकाया गया, यह भी हमने देखा है। वैसे ही 14 सितंबर को कूच बिहार में संबारू बर्मन को मार दिया गया, 19 सितंबर को तामलुक के दीपक मंडोल को मारा गया है, और 5 अक्टूबर को बरकपुर के मनीष शुक्ला, जिसके विषय में मैंने अभी बताया, उनकी हत्या हुई है। बंधुगण, 14 जुलाई को आप तमाम न्यूज मीडिया ने यह दिखाया
कि देवेंद्रनाथ रॉय जो कि बीजेपी के एमएलए थे हिमताबाद उत्तर दिनाजपुर जिला से, उनको किस प्रकार से, यह आशंका भी जताई गई लोगों द्वारा कि उनको मार करके उनके घर के सामने लटकाया गया उसके बाद